कंसेक्यूटिव वन राइट हार्दिक? यस सर। कंसेक्यूटिव और ये क्वाड्रेटिक हमारा बन गया था और यहाँ से हम टू कॉमन लेकर इसको छोटा कर सकते, ठीक है? यस सर। इन द नेक्स्ट The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. Right angle triangle, अगर ये base है तो altitude कितना है? X minus 7. आगे बोलो. If the hypotenuse is 13 cm. Hypotenuse 13 दिया हुआ है? Yes, sir. We all know h square is equals to this and this. Yes, sir. आगे सॉल्व हो जाएगा. Next. A cottage industry produces a certain numbers of poultry articles in a day. ऐसा एक कर लिया. ऐसा एक कर लिया. Next. Yes. हमारा है. खुद करोगे. Next. Yes, sir. Find two consecutive odd positive integers. तो अगर एक x है तो दूसरा odd दो gap में आएगा. Yes, sir. आगे पढ़ो. Sum of o square is 290. 290. आगे तुम्हारा. Yes, sir. आगे तुम्हारा काम. Next. A rectangular path is to be designed whose breadth is 3 meters less than its length. Yes, sir. Next, padho yaar. Next. Yes, sir. A motor boat whose speed is 18 km/h. Ruk jao. So, इसका भी लॉजिक बता देता. सो लेट द स्पीड ऑफ बोट सुनाई दे या पर्सन सुनाई दे या स्टीमर सुनाई दे. अपन ने उसको चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ के लिए दिमाग में फिक्स कर लिया है x km/h, राइट? यस सर. और लेट द अगर नहीं दिया हुआ है, लेट द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, वाटर को ही अपन स्ट्रीम, उसी को फ्लोइंग वाटर का एक और नाम से बोलते हैं करेंट. उसको अगर नहीं दिया हुआ है तो मान लेंगे ये, ठीक है? यस सर. लॉजिक नंबर वन कि डाउन स्ट्रीम, डाउन मतलब ढलान, राइट? यस सर. यानी कि जिधर आप जा रहे हो अगर पानी का फ्लो उधर ही हो तो आप मंजिल जल्दी पहुंचोगे. यस सर. जब भी डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड की बात हो तो अपन दोनों स्पीड को क्या करेंगे? एड. तो ऑब्वियसली स्पीड इन अप स्ट्रीम. जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हो और आप अगर अगेंस्ट एयर आ रहे हो तो आपको ज्यादा टफ होता है. Yes, sir. हरदम ध्यान रखना कि अगर तेरा स्पीड हवा से कम हो गया तो तू अगेंस्ट जा ही नहीं सकता, राइट? यस सर. ये नॉर्मल कंडीशन में बोट, पर्सन, स्टीमर जो भी है वो हरदम बड़ा होगा. यस सर. इसलिए हमने अपस्ट्रीम में क्या लिखा? एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. पर आवर. यस सर. अब आप क्वेश्चन को रीड करें. अ मोटर बोट whose स्पीड इज 18 km/h. तो किसका स्पीड दे दिया? बोट. स्पीड ऑफ मोटर बोट तो मुझे अवेलेबल हो गया तो सपोज करने की जरूरत नहीं है. यस सर. आगे बढ़ो. इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर. करो करो आगे बढ़ो. टू बोट. Yes, sir.
it takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream. Distance कितना दे दिया? 24 kilometer. आगे बढ़ो. Then to return downstream to the same spot. Yes. Find the speed of the stream. स्पीड ऑफ स्ट्रीम को जैसे अभी अभी हमने दिमाग में फिक्स कर लिया था तो y लेकर चलते हैं राइट. यस सर. नाउ t1 टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये टाइम है मेरा अपस्ट्रीम का ठीक है. यस सर. डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर. अपस्ट्रीम में माइनस होगा स्पीड एक दूसरे से. यस सर. t2 डिस्टेंस तो वही है वापस वही लॉट पर आ रहे हो. यस सर. लेकिन इस बार आपका स्पीड ऐड होगा. यस सर. ज्यादा टाइम दोनों में से कौन लेगा मंजिल तक पहुंचने के लिए? t1 एग्जैक्टली. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके मार्क्स होते हैं हाथ देख. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखना है. यस सर. T1 माइनस T2 दोनों जर्नी में कितने घंटे का डिफरेंस है? 1 hour. T1 की जगह क्या बैठा हूं? 24/18 - y. T2 की जगह क्या बैठा हूं? 24/18 + y. बन गया यहां तक? यस सर. आगे आपका काम है. यस सर.